हेलो, यस सर। ये दिख रहा है ना कलर पीछे बैकग्राउंड में, देखो चेंज हो गया ये। तो आप इस तरह से भी नाम बिना दिए आरजीबी दीजिए, कलर की वैल्यू अभी हम चेंज करते हैं। यहाँ पे कर देते हैं 50 और ये कर देते हैं 100। अब वो 50 रहने देते हैं, चेंज हो गया कलर। समझ रहे हैं? तो कलर देखिए तीन तरह से देना है। कलर का नाम हमने लाइट ब्लू दिया, पिंक दिया, रेड दिया, जो भी दिया। हेक्साडेसिमल कलर की वैल्यू आरजीबी, वैसे CMYK भी है बट CMYK सिलेबस में नहीं दिया, सुबह में देख रहा था सिर्फ आरजीबी का दिया हुआ है। तो यू कैन ऑल्सो एड अ कलर योर वेब पेज थ्रू आरजीबी, और जब भी आरजीबी से देंगे तो इस तरह से देंगे। और ये तीनों कलर की वैल्यू 0 से लेके 255 के बीच में रेंज होती है। इसके बारे में और फोटोशॉप में आएगा। अगर मैं यहाँ तीनों 0 0 कर दूं, देखो आप यहाँ से 0 0 जेट ब्लैक, सब 0 0 0। और अगर सब 255 255 कर दो, तो व्हाइट, ठीक है। व्हेन ऑल थ्री वैल्यूज इज जीरो, द कलर कोडिंग इज जेट ब्लैक, एंड ऑल द थ्री वैल्यूज इज 255, द कलर कोडिंग प्योर व्हाइट। ठीक है, ये तो फोटोशॉप में क्वेश्चन इस तरह का आता है, इस वाले पेपर में नहीं आएगा, बट इस तरह से आप कलर लगा सकते हैं। आप ये करके देखना, ये तो आपके मोबाइल की वो साइट पे भी हो जाएगा। तो अब आप ये समझ जाओ, जो मैंने आज मेन बताना था, ये बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज, सिर्फ बैकग्राउंड दे के बाकी सारी प्रॉपर्टीज की वैल्यू दे के आप कर सकते हैं। आप प्रॉपर्टीज के नाम अलग अलग दीजिए, फिर कीजिए, दोनों तरीके से आपने करके देख लिया। अब यहाँ पे जो मैंने बताना था अगला, वो ये है कि हम कोई इमेज लेते हैं। अच्छा, इमेज का मैं लिंक अंदर भी, वो लिंक नहीं होती है तो इमेज इमेज का जो है वो वाले सेट कर लीजिए, तो मैं इन लोगों को भेज दूंगा, कुछ काम जरूरी नहीं कर रहे हैं तो नहीं चलेगा। आप आना इमेज उसमें, और मान लो यहाँ पे आपने कुछ ले लिया, हमने ये एक इमेज ली और ये हमने जो है वहीं वहां पे जहाँ पे ये CSS की पे CSS इमेज के अंदर रख देते हैं। और ये इमेज हम फिर यहाँ पे लगा रहे हैं, ठीक है।
ठीक है, ये दिख रही ना इमेज सबको? हेलो, यस सर, यस सर। अब यहाँ पे देखिए, जो मैं कल बताया था, इमेज को 9 तरीके से आप पोजीशन कर सकते हैं। यस सर, तो सबसे कंटिन्यू। पहला यहाँ पे हम दे रहे हैं, हम एक दो करके दिखा देते हैं, समझ में आ जाएगा। सबसे पहला यहाँ पे टॉप लेफ्ट, तो आप यहाँ पे दे दो टॉप लेफ्ट। और ये तभी होगा, ध्यान दीजिए, जब इमेज छोटी होगी, बड़ी स्क्रीन पर फुल हो जाएगी, तब थोड़ी ना चेंज होगा। टॉप लेफ्ट चली गई ना, मैंने दे दिया टॉप सेंटर। टॉप सेंटर मैंने दे दिया, टॉप राइट। टॉप राइट, 3 तरीके से ये हुआ। उसके बाद हमने यहाँ पे दिया दूसरा है सेंटर लेफ्ट। सारे ही करके दिखा देते हैं। अब देखो, ये सेंटर में पूरा टॉप से बॉटम तक देखो तो ये वर्टिकली सेंटर में है। अगला है सेंटर सेंटर। सेंटर सेंटर जो वैल्यू है, ये सिर्फ सेंटर देने से भी आ जाता है, जो मैं पहले अभी तक देता चला आ रहा था। ये देखिए सेंटर, सिर्फ एक बार सेंटर लिखोगे तभी सेंटर ही आएगा। ये देखो, लेकिन वो जो 9 तरीके से लिखना है, वो मैं इस तरीके से बता रहा हूँ। तो फिर हो गया सेंटर राइट। अब बॉटम वाला है, तो बॉटम बॉटम राइट करते हैं पहले। बॉटम राइट, अब इतनी बड़ी स्क्रीन में 9 जगह ये सेट हो रही कि नहीं इमेज, समझ गए? तो सर, पोजीशन जो है, बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज में जो बैकग्राउंड पोजीशन है, वो इमेज को 9 तरीके से सेट कर सकती है स्क्रीन पे, बशर्ते कंडीशन ये है कि वो इमेज स्क्रीन पे पूरी तरह फिट ना हो। अब बड़ी साइज की इमेज होगी तो पहले से पूरी स्क्रीन को कवर कर लेगी, तो वो लेफ्ट और राइट कुछ नहीं होगा। जैसे हमें जो डेजर्ट हम दे रहे थे, अरे अब ये डेजर्ट देखो, ऑलरेडी ऊपर से देखो, यहाँ से यहाँ तक फिट ही हो गई है, तो ये कहाँ से फिर लेफ्ट और राइट और सेंटर पता चलेगा? लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो पता चलेगा। तो एक तो ये देखिएगा, दूसरा जो सबकी ऑनलाइन कर रहे हैं और इमेज नहीं हो रही है, वो इमेज का मैं वो आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगा लिंक, उसके थ्रू करिएगा। अब आ जाइए, कल जो हम लोग कर रहे थे और परसों, मतलब जो कर रहे थे और वो नहीं हो रहा था, उस पे आप, वो था इमेज का बॉर्डर, क्योंकि तो बाद में फिर हुआ, कोड तो सही था आप लोगों, बट वो ये है वो, ठीक है, याद है? एमन, यस सर।
ये जो उस दिन नहीं हो रहा था वही है ये कि हाँ सर आप जो बॉर्डर अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, मैं इसको वो करता हूँ, बॉर्डर ये हमारा बॉर्डर इसकी पिक्सेल है, ये जो यहाँ से यहाँ तक सॉलिड दिया हुआ है सॉलिड कलर, ये है कलर का कोड। इसके बाद है बॉर्डर का रेडियस, इसका जो घुमाव है 700 पिक्सल। फिर पैडिंग, ये दोनों के बीच में जो है वो है पैडिंग। और उसके बाद ये है विड्थ इमेज का। अब मैं पैडिंग को थोड़ा सा कम करता हूँ, जैसे मान लीजिए 10 कर दिया, ये देखिए कम हो गई पैडिंग। यस सर। बॉर्डर अगर कम करना है, बॉर्डर हमने कम कर दिया। बॉर्डर कम हो गया और यस उसके बाद हमारा रेडियस कम करना है। रेडियस सर बॉर्डर कलर चेंज करना हो तो नहीं, बॉर्डर क्या करना है, कलर कलर चेंज करना हाँ चेंज कर लीजिए, यहाँ से ये वैल्यू हटा दे आप कुछ कर लीजिए। कलर का कोड डालना होगा, हमने कलर का कोड दिया है हेक्साडेसिमल, आप रेड कर दो। रेड हो गया, क्यों आपको देना है वो, मैंने यहाँ पे कलर हेक्साडेसिमल वैल्यू दी थी ना। यस तो आप देखो यहाँ पे ये हो गया बॉर्डर, ये इसके बीच में पैडिंग, ये है बॉर्डर का रेडियस, ये जो घुमाव है, और ये इसके अंदर इमेज की विड्थ है, हमने दे दिया 500। हमने तीन इमेज लगाई है, इसलिए तीन इमेज आ रही है क्योंकि ये इमेज हमने यहाँ से तीन लगाई है, हम यहाँ हटा देते हैं बाकी सब। और ये सब लोगों ने किया है। अब यहाँ पे एक चीज और करिए कि आप जो अभी तक हम बता रहे थे कि सेंटर कर लिए थे इमेज को, सेंटर कैसे कर रहे थे आप, सबसे आसान तरीका था सेंटर टैग। अब देखिए दोनों चीजें मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ से, HTML भी ऊपर किए थे। इसके ऊपर हमें कुछ लिखना है, आप लोग कर रहे थे बनाया पेज सब लोगों ने, यहीं पे ऊपर कर दीजिए H1। ताजमहल और H1 को हमने अलाइन करना है, अलाइन इक्वल टू, और ये सबने बनाया HTML में। देखो कुछ लोगों को मैंने करते भी देखा जो लैब में जो रेगुलर कर रहे थे। ये सबने बनाया ना, ऐसे इमेज लगा रहे थे आप लोग, कोई किसी ने इस तरह से राउंडेड और बॉर्डर और पैडिंग और ये सारा नहीं किया, क्योंकि ये चीज HTML में पॉसिबल नहीं है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे आपने IMG के कोड को लिखा है CSS के, और नीचे यहाँ पे बॉडी के अंदर आपने इमेज लगाई है, हेडिंग लगाई है, सेंटर किया, सब किया। ये जो IMG का टैग है ये अप्लाई हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस, समझ गए। अब आप आगे ये बॉर्डर, बॉर्डर का रेडियस, पैडिंग और विड्थ कई जगह आएगी, इसको लगाते वक्त किसी भी पेज में अगर आप इस तरह से डेकोरेट करना चाहते हैं तो आप इमेज को इस तरह से लगा सकते हैं। आवाज नहीं आई तुम्हारी क्लियर, फिर तो बोलो। आज इको हो रही है, हेलो।
कौन बोल रहा था, क्या पूछ रहा था, आवाज नहीं आई सर। अंशी का नेटवर्क खराब लग रहा है हमको। अच्छा ये राजवंश बर्नवाल कौन है? तो वही अंशी का अपने भाई की आईटीसी की है। अच्छा वो अंशी का। अच्छा तो हो गया ये चीज, अब सबको क्लियर हो गई ना? बोलिए। यस सर। यस सर। इमेज का और बैकग्राउंड की सारी प्रॉपर्टीज अलग लगाना, सिर्फ प्रॉपर्टीज की वैल्यू के साथ लगाना, बैकग्राउंड का कलर आरजीबी के साथ यूज करना, सब क्लियर हो गया? यस सर। तो आगे कुछ बताऊं और? हाँ सर बताइए, खत्म नहीं हो रही है तब तक बता दीजिए। कौन क्या कुछ पूछ रहा था पहले पूछ लूं उनसे क्या पूछ रहा है फिर आगे बोलूं। सर ये वाला एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। क्या चीज सर? ये इमेज वाला ही अभी अभी जो बता रहे थे थोड़ी देर पहले। नहीं समझ में आया क्या रिपीट करना है? आप लोग इमेज लगाते थे ना HTML में? Yes, sir. कैसे लगाते थे? वो ये लगाते थे, ये लगा लिया इमेज प्रोग्राम के अंदर, IMG SRC ये दे दिया, उसके ऊपर हमें यहाँ ताजमहल लिखना, डेजर्ट लिखना, ताजमहल कहाँ है पे? डेजर्ट। अब आप ये चाहते कि ये इमेज बस जैसे HTML में आती थी उसी तरह से ना आए, कुछ कुछ इसको डेकोरेट किया जाए। इसके लिए फिर हमने क्या किया, हम CSS को हमने यूज किया और हेड के अंदर आ गए, हमने स्टाइल के अंदर CSS के कोड को दिया और किस लिए दिया, इमेज के लिए। तो हमने दिया IMG और IMG के अंदर हमने चार चीजें यूज की, बॉर्डर, बॉर्डर रेडियस, पैडिंग, विड्थ, यानी इमेज के बगल में बॉर्डर, इमेज के बॉर्डर का घुमाव रेडियस, इमेज और बॉर्डर के बीच में स्पेस पैडिंग और इमेज की साइज। सबसे पहले मैंने दिया बॉर्डर, बॉर्डर में हमने दिया कि बॉर्डर की विड्थ जो होगी 10 पिक्सल होगी, सॉलिड होगी, ये कलर होगा। बॉर्डर का रेडियस की पिक्सल ये होगी, पैडिंग ये पिक्सल उसकी होगी और विड्थ ये होगी। अब ये है, ध्यान से देखो आप, बॉर्डर 10, ये जो इसकी विड्थ है ये 10 पिक्सल है, ये जो कलर है एकदम सॉलिड कलर है, लाइट या डिम ये नहीं है, और ये कलर का कोड है ये। अब हम यहाँ कलर का कोड कुछ रेड, ग्रीन, येलो और पिंक और मैजेंटा कर दें तो वो मैजेंटा हो जाएगा। ये है बॉर्डर का रेडियस, इसको आप घटा बढ़ा सकते हैं जितना भी करना चाहें ये कर लीजिए। ये है इसके बीच का स्पेस जो पैडिंग कहलाता है। हम यहाँ पैडिंग अगर 100 करते हैं तो देखो क्या हो रहा है, इसके बीच में इतना गैप हो गया, ये पैडिंग है। और आप लोगों ने एक्सेल, अरे सॉरी एक्सेल कह रहा हूँ, HTML में सेल के अंदर किया है सेल पैडिंग। yes, और फिर ये है विड्थ, इमेज की विड्थ है, ये विड्थ है। तो पैडिंग तो ज्यादा देते नहीं है, 10 बहुत है, या तो बॉर्डर ज्यादा रखते हैं थोड़ा सा मोटा तो अच्छा सा बॉर्डर आए। ये और बॉर्डर का कलर आप देख ही रहे हो, हमने यहाँ ये ना देखे, हमने दे दिया पर्पल, नाम दे दिया आगे। हाँ इसे व्हाट्सएप पे करते हैं। अच्छा ठीक, हाँ इसे पे कर सकते हैं, हाँ वो भी कर सकते हैं जी। हाँ आप लोग जो इमेज, हाँ आप लोग जो इमेज मोबाइल पे कर रहे हो और वो नहीं आ रही है तो मैं एक लिंक दे रहा हूँ, ये अमदान साहब ने यहाँ, इन्होंने बहुत शुरू किया है,
कई लिंक है इसमें, ई-बुक्स वाली जो है, ई-बुक्स वाली लिंक ये सब नहीं है, ये वाले ई-बुक्स वाले। हाँ ये मैं कुछ लिंक भेजूंगा आप लोगों को, मैं भी शामिल आप लोग को, ठीक है? तो जब आप लोग ऑनलाइन करना, मैं दिखा भी देता हूँ आपको, w3school.com। सर हम लोग को भी ऑनलाइन, हाँ वही तो कह रहे हैं, जो लोग उस पे करेंगे उन्हीं को बता रहा हूँ। यहाँ पे आप अपना ये इमेज वाला ये प्रोग्राम यहाँ पे कॉपी मैं कर दे रहा हूँ, और ये जो SRC C का पाथ दे रहे थे, जाहिर सी बात है कंप्यूटर की इमेज हो रही थी, तो वो इमेज ना हो के हम यहाँ पे एक ऑनलाइन एक URL दे रहे हैं आपको, वो URL यहाँ पे पेस्ट कर लीजिएगा इसकी जगह पे। तो जाहिर सी बात है ये URL नेट से आपका कनेक्ट ही होगा, ऑनलाइन वो पेज करेंगे। अब देखो हमने ये जो पेज उसका पाथ दिया है वो एक ऑनलाइन URL है। आप यहाँ पे सीधे जब रन करो ये देखो वो इमेज सीधे नेट से उसने ले लिया, दिख रही कि नहीं? ये अमन, यस सर, इमेज नहीं आ रही थी ना, वैसे करके इमेज कर लेना। W3 School में किए क्या? हाँ W3 School में किया है क्या? देखो ना दिख नहीं रहा ऊपर, लैपटॉप में इमेज आ रही है? लैपटॉप में तो नहीं कोई दिक्कत होगी, लैपटॉप में तो इमेज रहती है ना, जो लोग ऑनलाइन कर रहे हैं ना तो वो लोग ऑनलाइन इमेज को कैसा URL देंगे। हाँ तो CD वहाँ पे तो कुछ होता नहीं है, उनका तो इंटरनल ड्राइव और एक्सटर्नल वो सब होती है, USB पाथ। तो W3 School पे जो ये जो SRC है वो SRC में कुछ लिंक यहाँ पे प्रोवाइड करूंगा, जैसे ये करके दिखाया है ऐसे करके कर डालना, ये सब लोगों के लिए मैं कह रहा हूँ। ये अमन ने ध्यान दिलाया था इस पे, और तो किसी ने ध्यान भी नहीं दिलाया कि हाँ ये आप दोनों तरह से कर लेना, बैकग्राउंड के फॉर्म में भी जहाँ बैकग्राउंड वाला कर रहे थे ना, जहाँ URL लिख रहे थे, अरे ये वाला जो इससे पहले किया है अभी ये भी देख लो। यहाँ पे जो URL लिख रहे थे वो URL जो है यहाँ पे URL जो CA दे रहे थे यहाँ पे वो दे दिया। और यहाँ जब रन करोगे तो वो URL ले लेगा ये, ठीक है? समझ गया कि नहीं? यस सर, ऑनलाइन में क्योंकि हम जो URL वर्ड ही है यहाँ पे देखो, URL एक इसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू जो URL है, और URL में ब्रैकेट में हम पाथ देते थे, तभी हम पाथ देते हैं। यहाँ पे लिंक इन्होंने एकेडमी का वो दिया है, वो पाथ दिया जहाँ पे इस तरह से करके लिख कर डालिए। हो गया क्लियर? यस सर। अपने में किसी को दिक्कत है तो आगे बढ़ो। यस सर।
क्योंकि टाइम थोड़ा बचा हुआ है। अब आगे इसके अंदर क्या है कि जो बैकग्राउंड इमेज में जो हम यूआरएल देते थे वो यूआरएल ना होके एक नए तरीके से इसको दिया जाता है, और वो क्या चीज होती है? वो होता है ग्रेडियंट। आप लोगों ने नाम सुना है ग्रेडियंट। लीनियर ग्रेडियंट और रेडियल ग्रेडियंट। इमेज की जगह हम ये यूज करते हैं, और क्या है ये चीज उसको याद देख लीजिए। इसकी जो प्रॉपर्टी की वैल्यू को भी आरजीबी के पिक्सल पॉइंट की जगह हम उन कलर का नाम देते हैं। कम से कम दो कलर हमने दे दिया, रेड और ग्रीन। हमने दे दिया रेड और ग्रीन। फाइल को सेव किया, ये नहीं दे रहा है, बैकग्राउंड इमेज रेडियल लिखा। ये ले रहा है, ठीक है। अब ये देखिए ग्रेडियंट है। आप देखिए कि दो कलर हमने डिफाइन किया, दो कलर दिया, दो कलर के कॉम्बिनेशन से एक पेज इस तरह का पीछे तैयार हुआ। तो ये जब यूज करते हैं बैकग्राउंड के साथ, ये कहलाता। अब यहाँ पे रेड ग्रीन दिया है, रेड येलो मान लिए कर देते हैं। कम से कम दो कलर देना पड़ेगा, आप तीन भी दे सकते हो। तो ये अपने ऊपर डिपेंड होगा ना कि हम कितना कलर। हाँ हाँ, ये आपके ऊपर है, ये आपके ऊपर है। आप सर तीन से या चार से ज्यादा भी हो सकते हैं। हैं हाँ बिल्कुल, बट बहुत ज्यादा कॉम्बिनेशन यूज करें तो पेज इतना ज्यादा वो हो जाएगा कि आपका टेक्स्ट ही नहीं दिखेगा। तो ये बहुत प्रैक्टिकली ये बहुत कम यूज होता है, इसलिए है इसके अंदर। लेकिन मैं आप रेड ब्लू रेड ग्रीन दे दो, रेड okay.
देखो हो गया। और इसमें दूसरा था जो ये रेडियल ग्रेडियंट था, पहला है लीनियर, ये तो लीनियर ग्रेडियंट और रेडियल ग्रेडियंट के थ्रू हम बैकग्राउंड में एक डिफरेंट अपने कलर को प्रोड्यूस करके दे सकते हैं, लेकिन वो कलर के तरह ना आके वो इमेज के अंदर यूज होगा, इसीलिए क्वेश्चन इसके ऊपर आता है, प्रैक्टिकली नहीं यूज होता, कंफ्यूजन ये सबको हो जाएगा। आप दे तो रहे हैं कलर, लेकिन आप ये सोचेंगे ये इमेज के लिए क्यों दे रहे हैं, कलर में क्यों नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि एज ए इमेज की तरह से ये आता है, तो ये इमेज की वैल्यू है, यानी बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी की वैल्यू लीनियर और रेडियल ग्रेडियंट है, और इन दोनों ग्रेडियंट के अंदर ये उसकी वैल्यू है, एट लीस्ट मिनिमम टू कलर, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई बैकग्राउंड के अंदर। अब आपने बैकग्राउंड के अंदर कितनी चीजें कर ली, बैकग्राउंड में फिर उनकी प्रॉपर्टीज की वैल्यू देके आपने कर लिया, अलग अलग प्रॉपर्टीज की वैल्यू देके किया, बैकग्राउंड कलर का आरजीबी के थ्रू कर लिया, और बैकग्राउंड को इस तरह से कर लिया लीनियर और ग्रेडियंट में इमेज के वैल्यू, इमेज की प्रॉपर्टी की वैल्यू के तौर पे। साथ ही साथ आपने इमेज को यूज किया, और वो इमेज यूज किया आपने बॉर्डर, बॉर्डर रेडियस, पैडिंग, विड्थ, अभी और भी चीजें हैं, ये नहीं कि यहीं पे खत्म हो गया, ये बहुत ज्यादा डिटेल जो सिलेबस है वो इसके अंदर लगेगा, दो पेज में दिया हुआ एक पेज में, बट है बड़ा रेंज इसकी, एक एक चीज करते जाइए। और अब इतना हो गया जो मैंने आज ये तरीका भी बता दिया, इस तरह से ऑनलाइन सब लोग करके कर डालें। अब ये नहीं होगा कि यहाँ कुछ चीजें नहीं हो रही, ये पाथ मैं अभी व्हाट्सएप कर दे रहा हूँ एमन, और आप लोग शेयर कर देना, ठीक है, वहां से लिंक को कॉपी कर लेना, उठा के पेस्ट कर देना, ऐसे ही पेस्ट करना है जैसे यहाँ पे मैंने देखो पेस्ट किया है, ठीक है। यस सर। बताओ सारे लोग, कोई दिक्कत है कि इशरत जहाँ, अभी इशरत नहीं थी, इशरत आ गई क्या? वो सर मेरी आईडी, वो अम्मी का मेरा फोन टूट गया ना, तो अम्मी के फोन से बनाया तो उन्हीं का नाम आता है, तो अभी इशरत नाम तो आ रहा है। तो रोज अलग अलग नाम तो मत ज्वाइन करिए सर, वो नहीं चेंज करना भूल गए थे। अच्छा ठीक है, फिर आज ये आज यहाँ तक रहने दे, आज नहीं पे किसी को पूछना है पूछ लीजिए, क्योंकि टाइम बस ये खत्म हो रहा है। एमन उस दिन अटेंडेंस लिया था सबकी, तुमने नोट किया था? यस सर। हाँ तो आज भी सब अटेंडेंस ले लो, तुमको ही मॉनिटर बना दिया है, तो सबकी अटेंडेंस नोट कर लो। कौन कौन है सर? कुलसुम अप्पी है, समीक्षा राय, रुशदा महविश, अंशिका, शिवांगी, मरियम, शफक करम। वो अंशिका भी तो थी ना, रिश्दा, रिश्दा भी है। हाँ सर रिश्दा ले लेते। और राजवंश बनो, अच्छा ये अंशिका, और उसने भी तो किया था, क्या नाम है, लेकिन वो अभी गायब दिख रही है। श्रेया, कौन सा? श्रेया दीदी थी, श्रेया भी थी शायद, आई थी, और वो शुभम प्रजापति। अब बॉयज सब कहाँ गायब है? सर बॉयज में तो कोई भी नहीं ज्वाइन कर रहा है, दो दिन क्लास हुई है, पता नहीं, वो तो कह रहा था कि कुछ उनके अब्बू की डेथ हुई तो कहीं बिजी था, तो मैंने कहा तुम लिंक फॉरवर्ड कर देना तो और बाकी लोग करेंगे, अब उसको कॉल करके पूछो लिंक नहीं मिल रहा या देख नहीं रहा, मैसेज क्या है पता नहीं। हाँ सर पूछना तो पड़ेगा, तो दिक्कत है, तो परेशान है वो तो।
ठीक है, फिर किसी को कुछ पूछना है, खत्म क्लोज किया जाए। सर अभी इसको ट्राई करेंगे, कुछ दिक्कत आएगी तो फिर पूछेंगे। तो दिक्कत आएगी तो जो तो बताएंगे, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ आज का सेशन क्लोज किया जाए ना। यस सर। ठीक है, तो आज के ये नोट कर लेना वो कितने लोग थे, और किसी को कुछ दिक्कत, कोई सवाल किसी का नहीं कुछ है, मतलब सब लोग एकदम या तो एकदम समझ में आ गया है। रुशदा बताओ, रुशदा सब क्लियर है? सर जी सर। अच्छा शफक? यस सर। शिवांगी? हाँ सर क्लियर है। मांगी आपके पास लैपटॉप है, आप तो सब क्लियर करते जाओ, सबको हेल्प भी करो थोड़ा बहुत वहीं से। हाँ सर मेरा कल तक का हो गया, आज का हो सकता है। चलिए बहुत अच्छा। मरियम? यस सर। ठीक है, वो चली गई क्या? सर महविश? महविश यस सर, महविश नहीं है, महविश अभी चली गई, अभी तो थी। चलो ठीक है, समीक्षा आपका सब रिवीजन हो गया? यस सर, ये सब तो मैं कर चुकी हूँ। हाँ ये सब कर लियो ना। चलो अच्छा, अभी एकदम रिवीजन पक्का रिवीजन हो जाएगा, तो कुछ भूलने की जरूरत नहीं। कुलसुम? यस सर। हाँ नॉलेज के लिए कर रही हो तो फिर सबको बताना भी। हाँ ये लोग अपने दोनों पेपर तुमने क्लियर कर लिया, ये लोग जूनियर बैच वालों सबकी हेल्प करना, सब लोग इन्हीं से जूम मीटिंग कर लेना आपस में। कुलसुम? अरे वो अमन? यस सर। हाँ इन्हीं से जूम मीटिंग, जूम मीटिंग अलग से तुम लोग कर लेना। ठीक है सर। यस हेल्प कर देंगे, बता देंगे इनका और पर, क्योंकि अभी ये ना इन प्रैक्टिकल एग्जाम देना ये लोगों इनको, तो आगे इनका प्रैक्टिस काम आएगी। यस सर। हाँ ये हाँ सर। चलिए ठीक है, फिर आज का क्लास का वर्क ओके कर डन करते हैं। ठीक है हेलो क्लास ऑफ रहेगी? हां वाले मंडे को अगर होगा तो इन्फॉर्म करेंगे जैसा होगा। शॉर्ट नोटिस में सब लोग तैयार रहिए, टाइम वही क्लास की वही रहेगी। ठीक है सर। वही है, लिंक वही है, तो कुछ ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, बस गेट रेडी बोल देंगे सब लोग आ जाएंगे। ठीक है यस सर। ठीक है सर, अल्लाह हाफिज़।